नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम थर्ड फेज में जो एग्जाम लिया गया था उसका अब रिजल्ट आउट कर दिया गया, यानी इस परीक्षा का परिणाम भी सामने आ गया है। बिहार में शिक्षकों की बंपर बहाली हो रही है। बिहार में लगातार बीपीएससी द्वारा टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम लिए जा रहे हैं, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, और अब फेज थ्री का रिजल्ट भी सामने आ गया। हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, यानी टीआरई थ्री के जितने भी अभ्यर्थी थे जो इंतजार कर रहे थे कि उनका रिजल्ट कब आएगा, वो अब शिक्षक बन सकेंगे या नहीं। तो देखिए, अब आपके इंतजार का दौर खत्म हुआ और अब आप अपना रिजल्ट ऐसे चेक करिए। आपको बताएं तो बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बीपीएससी ने फर्स्ट फेज में 38,900 पदों पर रिजल्ट जारी किया है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। फर्स्ट फेज में वर्ग 6 से 8 कक्षा के कुल 6 विषयों के शिक्षकों के 16,989 पदों पर रिजल्ट दिया है। वहीं वर्ग 1 से 5 में 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें कुल 21,911 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनमें सामान्य शिक्षा विभाग में 18,641, सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के 172, उर्दू के 3, बंगला में 44 अभ्यर्थी पास हुए हैं। आपको बताएं तो आयोग का ये भी दावा है कि रिजल्ट बेहतर ढंग से तैयार किया गया है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का शिक्षा विभाग से रोस्टर मिलते ही रिजल्ट तैयार करने की तैयारी कर दी गई थी। शुक्रवार को कक्षा 6 से 8 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 5 के रिजल्ट जारी किए गए हैं। शेष कक्षाओं के रिजल्ट भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। वहीं आज सुबह 9 बजे ही बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार आयोग पहुंच गए। वह लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। बीपीएससी सूत्रों की माने तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। टीजीटी और पीजीटी रोस्टर नहीं मिलने के कारण इस रिजल्ट को तैयार करने में समय लग रहा है। वहीं टीआरआई की 3 के लिए वर्ग 1 से 5 और वर्ग 6 से 8 के नए वैकेंसी चार्ट जारी कर दी गई है। इसमें अनारक्षित श्रेणी के सीटों में इजाफा किया गया है। वैकेंसी संशोधित रोस्टर के अनुसार अब 84,581 पदों पर भर्ती होगी। वहीं बताएं तो बीपीएससी ने टीआरई पुनर्परीक्षा 19 से 22 जुलाई 2024 तक आयोजित की थी। मूलतः यह परीक्षा मार्च में होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी तथा पुनः परीक्षा कराने का आदेश देना पड़ा था। आयोग ने कहा था कि पुनः परीक्षा शांतिपूर्व ढंग से और बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हुआ है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। और देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 यानी थर्ड फेज का रिजल्ट भी अब जारी कर दिया गया है। तमाम जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी थे जो थर्ड फेज में एग्जाम दिए थे और वो शिक्षक बनना चाहते थे, उन्हें इंतजार था रिजल्ट का। तो देखिए, अब आपके इंतजार का दौर खत्म हुआ, समाप्त हुआ और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3.0 का रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है। आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।